हवाओं का रुख तब्दील, नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग को ले डूबा, हामिद मीर ने बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि नवाज शरीफ जो हर दूसरे दिन एहतसाब की बातें शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से अब हवाओं का रुख तब्दील हो गया है और इसका नतीजा आपके सामने है कि बलोचिस्तान में गेम नून लीग के हाथों से निकल गई है और नवाज शरीफ अगर अभी भी बाज ना आए तो पंजाब में भी गेम नून लीग के हाथ से निकल जाएगी। हामिद मीर ने कहा कि नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं वो इनके सपोर्टर्स को तो पसंद आ रही हैं लेकिन पावर पॉलिटिक्स के लिए अच्छी नहीं है और पाकिस्तान में इस वक्त पावर पॉलिटिक्स चल रही है और 2024 के इलेक्शन का फैसला लोगों की मर्जी से नहीं होना, फैसला तो वैसा ही होना है जैसे 2018 में हुआ था। तब फैसला किया गया था कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम होगा तो वही वजीर आजम बने। इन्होंने मजीद कहा, अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को वजीर आजम बनना चाहते हैं तो इन्हें इन्हीं की मर्जी के मुताबिक चलना होगा, जिनकी मर्जी के मुताबिक चलकर 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने थे।